समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बुधवार को जिलाधिकारी से माँ दुर्गा महाउत्सव में आने वाली समस्याओं के जल्द निराकरण कराने की मांग की गई। दुर्गा उत्सव महासमिति ने डीएम को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगों को रखा। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर मनाए जाने वाले माँ दुर्गा महाउत्सव की केंद्रीय संस्था है। माँ दुर्गा महाउत्सव के सफल आयोजन के लिए हमेशा कटिबद्ध रहती है। माँ दुर्गा उत्सव में आने वाली विभिन्न समस्याओं को महासमिति जल्द निराकरण कराए जाने की मांग करती है। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद में आयोजित होने वाले श्री दुर्गा उत्सव के तहत बड़ी बड़ी दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में विराजी जाती हैं। मां के भक्त बड़े ही भक्तिभाव से मां की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को अपने कंधों पर लाते हैं। महासमिति आपसे मांग करती है कि जल्द ही इन सभी दुर्गा प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन मार्गों को दुरुस्त करा दिया जाए। माता रानी की प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन के दौरान बाजारों में फैला अतिक्रमण हमेशा ही भक्तों को कष्ट देता है। महासमिति आपसे मांग करती है कि जल्द ही बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए। माता रानी की प्रतिमाओं को लाने ले जाने के दौरान मार्गों में लटकते बिजली के तारों, पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं को छटनी करा दिया जाए। प्रतिमाओं के पंडालों के पास एवं माता रानी के प्राचीन मंदिरों के पास सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। वर्दीधारी पुलिस बल के साथ ही मंदिरों और पंडालों के पास सादा वर्दी में भी पुलिस बल की तैनाती कराई जाए। माता रानी की प्रतिमाओं के आगमन एवं विसर्जन वाले मार्ग पर आने वाले सभी तरह के जर्जर मकान एवं दुकान को पहले ही दुरुस्त करा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हर बार किसी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। माता रानी के मंदिरों एवं श्री दुर्गा पंडालों के पास प्रतिदिन सफाई व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही रोज सुबह शाम चूना भी डाला जाए। माता रानी के मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों के पास आवारा पशुओं की आबादी एकदम से बढ़ जाती है। आवारा पशुओं को नगर निगम द्वारा प्रतिदिन पकड़वाया जाए। माता रानी के मंदिरों एवं पंडालों के पास शाम और रात के अलावा सुबह भी भक्तों की भीड़ रहती है, इसलिए सुबह भी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। माता रानी के मंदिरों और दुर्गा पंडालों के पास महिलाओं और युवतियों की संख्या भी भारी रहती है, इस कारण यहां पर कुछ मनचले युवक भी जमा हो जाते हैं। इनको रोकने के लिए महिला पुलिस की तैनाती प्रमुखता से रखी जाए। माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन वाले कुंड को अन्य विसर्जन स्थलों को समय से साफ करा दिया जाए। इन स्थलों पर विशेष साफ सफाई व्यवस्था करा ली जाए। माता रानी के प्राचीन मंदिरों के पास एवं सभी पंडालों के पास पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम और जल संस्थान द्वारा टैंकर रोज रखवाए जाए। माता रानी के मंदिरों एवं पूजा पंडालों में खासतौर से शाम की आरती के वक्त बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। श्री दुर्गा प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों का ही इस्तेमाल हो। डीजे की आवाज को भी नियंत्रित कराया जाए। इस दौरान अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, शोभा यात्रा संयोजक पीयूष रावत, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, गोकुल दुबे, अरविंद वशिष्ठ, संतोष साहू, अमर सिद्ध, अमित चिरवरिया, मुकेश अग्रवाल, आलोक चतुर्वेदी, राजेश विरथरे, रवीश त्रिपाठी, अतुल किल्पन, एडवोकेट अजय मिश्रा, सत्येंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश सोनी, अभिषेक साहू, पवन गुप्ता, जयदीप खरे एडवोकेट, समीर तिवारी, प्रभात शर्मा, संजीव तिवारी, अतुल मिश्रा एडवोकेट, नरेंद्र अग्रवाल, विकास अवस्थी, सूर्यप्रकाश अग्रवाल, पुरुकेश अमरिया एडवोकेट, हेमंत राव, मीडिया प्रभारी डॉ भूपेंद्र राय कवार, राहुल साहू, संजीव अग्रवाल लाला, संजय खटीक, अमन मिश्रा, अतुल मिश्रा, मार्तंड स्वामी, प्रहलाद साहू, राकेश त्रिपाठी, मुकेश सिंगल, कुलदीप सिंगल, राहुल साहू, सचिन पटवा, प्रभात शर्मा, पंकज नोटा मिश्रा, मंजुल रोहित, रोहित मेहरौलिया, अभिषेक वाल्मीकि, अरुण कुशवाहा, गोली गोलू, रवि खटीक आदि उपस्थित रहे। म्यूजिक के सिलसिले में आया हूँ, क्या बातचीत? देखिए, डीएम साहब अभी नए आए हुए हैं, उनको काफी चीजों की जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग अवगत कराने आए हैं कि जो दुर्गा उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है उसमें जो जो चीज़ें दुर्गा जी की प्रतिमाओं के बीच में असुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं जो प्रशासन द्वारा होती हैं उनको देखा जाए, और उनमें मुक्त सबसे पहले कुंड की सफाई थी जो नगर निगम द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कर दी गई है, और उसके लिए हम नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद करते हैं समिति द्वारा, और साथ में बिजली विभाग से अनुरोध करते हैं कि जो नीचे तार लटके हुए हैं, कुछ वहाँ पर हैंडपम्प हैं जो रोड पर जो केबल हैं अवरोध पैदा कर रही हैं, उनको हटाएं, क्योंकि गोताखोरों की व्यवस्था बनाएं वहाँ पे। साथ में एक और भी निवेदन करना चाहते हैं हम कि जो रास्ते में हैंडपम्प है, जो प्रतिमाएं निकलती हैं बड़ी तेज़ी से निकलती हैं वहाँ पे, वो हैंडपम्प पिछले 10 साल हो गए होंगे प्रशासन से बोलते बोलते थक गए हम लोग, लेकिन वो आज तक हट नहीं पाए वहाँ से। तो वो हट जाएँ तो क्या है कि लोगों को भीड़ में झुंड में समझ में नहीं आता फिर कहाँ चलें, कभी हैंडपम्प में टकराते और कैजुअल्टियाँ होती रहती हैं, इसलिए हम लोग आज डीएम साहब से मिलने भी आए थे दुर्गा उत्सव महासमिति के द्वारा। पूरे वर्ष भर में
जिस कार्यक्रम का इंतजार रहता है हर व्यक्ति को कि कब नवरात्रि के पवित्र दिन आए और हम पूजा उपासना करें, और झांसी के अंदर तो बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि के दिन और दशहरा के दिन एक पूरे झांसी को उमड़कर सड़कों पर दर्शन करने का मौका मिलता है। श्री दुर्गा उत्सव महासमिति जिसके अध्यक्ष हमारे पुरुषोत्तम स्वामी हैं, विनोद अवस्थी जी, पीयूष भाई, बिथरे जी, मुकेश अग्रवाल जी, हमारे सभी खरे साहब, रावत जी, पुरी साहब, अग्रवाल साहब, सभी समिति ने आज प्रशासन से कहा है कि जहां पर प्रतिमाएं विसर्जित करना है वहां के जो सभासद हैं कुशवाहा जी और इसके अलावा सारे लोग, प्रशासन से आज हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह ये पवित्र त्यौहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है, विसर्जन वाले दिन कुंड के अंदर स्वच्छ जल हो और लाइट की व्यवस्था और पूरी विधि विधान से हम वहाँ पर विसर्जन करें, महिलाओं की सुरक्षा हो। और जो बिजली है, बिजली की कटौती हर बार हम देखते हैं कि दशहरे के दिन बिजली बाधित हो जाती है, इससे मानिक चौक में जो संजीव तिवारी जी जहाँ छैकुर महादेव पे बैठते हैं वहाँ से जो मंच बनाकर हम माँ दुर्गा पर पुष्प अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रसारण है वो बाधित होता है। तो समय रहते हुए प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, जो लटकते हुए तार हैं, जो सड़कों के गड्ढे हैं, जो साफ सफाई है और ख़ास तौर से कुंड के आसपास पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से करें। नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में बना तो व्यवस्था भी श्रेष्ठतम होना चाहिए।